नमस्कार, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल राधव वंडरर और मैं हूँ उदय। आज हम जा रहे हैं शिरडी। ये वीकेंड थोड़ा लेट प्लान बना, कल शाम को ही बना फाइनल प्लान। आज हम लेट ही निकलने वाले थे क्योंकि बेटी का थोड़ा ट्यूशन था, बाद में उसका भी प्लान में कुछ चेंज हुआ और फिर हम 2 घंटा पहले निकले, 5 बजे निकलने वाले थे। हमने प्लान किया था 5 कराएंगे। शिरडी पनवेल से पड़ता है करीब 280-300 किलोमीटर। ये प्लान में थोड़ा चेंज हुआ, इन द सेंस हम 2 घंटा पहले हुए और 2 घंटा पहले होने की वजह से देखते हैं, हमें 9:30-10 बजे तक आज पहुँच जाना चाहिए, जो अच्छा है। आज हमको थोड़ा ये गूगल बाबा घुमा के ले गया। नॉर्मली हम नासिक होके जाते हैं और या तो पूना चाकन होके जाते हैं। इस बार उन्होंने करजत ओल्ड हाईवे से लेके करजत का अंदर से ले आया। अभी जा रहे हैं, ये रास्ता से मैंने कभी आया नहीं। रास्ता काफ़ी अच्छा है, नया भी बना है ऐसा लग रहा है और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। वन वे है बेसिकली, एक जाने का एक आने का। ये पहाड़ी रास्ता होने की वजह से स्पीड नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। अभी मेरे को दिखा रहा है 4 घंटा 20 मिनट और बाकी है शिरडी से। हम घर से निकल के करीब 1 घंटा हुए, 1 घंटा 5-6 मिनट हुए, 4 बजे निकले थे हम। सही है, हम लोग सही जा रहे हैं, जल्दी मेरे को लग रहा है पहुंचेंगे। ये कोई शॉर्ट रूट है, इससे पहले कभी आया नहीं, तो अगर ये अच्छा रहा तो हम नेक्स्ट टाइम इसी रोड से जाएंगे, क्योंकि इस रोड में ट्रैफिक भी नहीं है। ये खाली मुझे ये देखना है कि ये हमें उठाता कहाँ है, नासिक हाईवे पे कहाँ पे टच करवाएगा हाईवे, वो देखना है। ये एक्चुअली AV NH है, 458A ऐसा कुछ देखा था मैंने, लेकिन वो हाईवे नहीं है, जो मेन हाईवे से शिरडी जाते हैं वो नहीं है, वहाँ पे कहीं तो टच कराएगा ये, देखते हैं कहाँ पे टच कराते हैं। बहुत ही सुंदर सा रोड है, काफी देर से चल रहे हम, करीब अभी 2 घंटा 40 मिनट हो गया। बहुत सुंदर सा रोड है, पहाड़ी का घाटे में से, बीच बीच में से, गांव में से, गांव के बीचों में से लेके जा रहा है। ये पहाड़ी जो है ना, इस पर एक्चुअली हमें क्रॉस करना है। ये नासिक का पहाड़ी है, नासिक से पहले इगतपुरी का, इसको हमें क्रॉस करना है। अब ये कहाँ पे क्रॉस करवाएगा वो देखना पड़ेगा। बहुत सुंदर रास्ता, ये रास्ते से आए हम। ये होटल है, होटल सृष्टि, सनसेट का अद्भुत नजारा है।
बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा चाय कॉफ़ी पियेंगे, फिर यहाँ से अभी 3.25 घंटे का रास्ता है। इस बार गूगल बाबा जो रास्ते से नहीं आया ना, अद्भुत सुंदर। बहुत ही सुंदर रास्ता। ये चाय का कलर देखो, कौन सा दूध पता नहीं बट अच्छा टेस्ट कैसे है। ये हम चाय पी रहे हैं, मेरा ब्लैक कॉफी है, वो आ रहा है। सनसेट बहुत अच्छा लग रहा है, सनसेट देखो, सनसेट। ये है हमारे रूम, ये पानी का बॉटल है। हम शिरडी में पहुँचे अभी थोड़ी देर पहले, रात के बज रहे अभी 10:30। ये है एक डबल बेड, ये है एक पार्टीशन बीच में, जबकि ज़रूरत नहीं था फिर भी एक पार्टीशन है, और उसका उस तरफ है 2 बेड। हमने खाना बना के लाया था, तो ये है अलमारी, बॉक्स, ये टेबल है, और ये है खाना जो हम बना के लाया था, छोले और पूरी। रूम काफ़ी अच्छा लग रहा है, फ़ैन है, एसी भी है, एसी चल रही है, बहुत अच्छा, इट्स गुड। और 4 बेड मिला है, सो वेरी नाइस। अभी रात को रेस्ट करेंगे और कल हम जाएंगे शिरडी दर्शन के लिए, 7 बजे हमारा पास हम बनाएंगे। ये है हमारा डिनर अरेंजमेंट, पूरी छोले साथ में अचार है, और पूरी छोले हम घर से बना के लाएँ, क्योंकि हम सोच रहे थे कि शायद हम लेट हो जाएंगे। अभी यही डिनर करते हैं, बाकी का कल। मैडम लगा रहे हैं अपने डिनर। रूम अच्छा मिल गया कुछ, है ना, रूम अच्छा मिल गया, अच्छा ही मिला था। और हम शायद इसी होटल में रुके थे पिछले बार भी। ये साईं बाबा टेम्पल है, शिरडी साईं बाबा मंदिर कॉम्प्लेक्स। इसका अंदर अलाउड नहीं है कैमरा और कुछ भी, मोबाइल भी लेके जाने नहीं देते। हमारा अभी 7 बजे का दर्शन है, अभी टाइम हो रहा है 6:30, हम दर्शन के लिए जाएंगे। ये इसका मंदिर का आउटसाइड में ये कुछ शॉप्स है, और ये होटल है जहाँ पे हम रुका हुआ है, होटल सिटी में, इसके एंट्रेंस वगैरह है। दर्शन के लिए जाएंगे, यहाँ पे कुछ शॉप्स है, और ये इसका होटल का पार्किंग है। सामने आपको दिख रहा है रिसेप्शन, ये होटल सिटी पॉइंट, ये बहुत बड़ा साई का एक स्टैचू है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। हम रात को आए थे, कल करीब 10 बजे पहुँचे थे, रात को बहुत ही सुंदर लग रहा था। लास्ट टाइम जब हम आए थे तब भी हम यहीं पे रुके थे, इस होटल पे हमने रुका था। यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, ये एक साई राज है, चारों तरफ काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर हम खाना वगैरह खा लेंगे। अभी सनराइज हो रहा है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। ये साई का स्टैचू, अभी हम जाएंगे मंदिर में दर्शन के लिए। वहाँ पे कुछ दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पे कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। ये होटल का एंट्रेंस है,
ये फर्स्ट फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रूम है 217। काफ़ी अच्छा सनराइज दिख रहा है यहाँ से। ये है हमारा रूम 217। अगर आपको दिख रहा है शनि शिकनापुर दिखाया 73 किलोमीटर, हम अभी निकले सुबह जाके शिरडी का साईं बाबा का दर्शन किया था, 7 बजे का हमारा टाइमिंग था जो पास निकल रहे थे। अभी हम दर्शन करके ब्रेकफास्ट करके रूम में आके थोड़ा रेस्ट लिया, उसका बाद अभी हम निकले शनि शिकनापुर के लिए। शनि शिकनापुर यहाँ से करीब 73 किलोमीटर है और 1.5 घंटा लगता है, रास्ता उतना अच्छा नहीं है, सो इट टेक्स अराउंड 1.5 आवर। वहाँ पे शनि शिकनापुर में दर्शन करके फिर हम वहाँ से डायरेक्ट घर के लिए निकलेंगे। शिकनापुर से पनवेल पहुँचने के लिए लगेगा करीब हमें 5.5 घंटा, 5.5 घंटा 5.5 आवर्स ऑफ ड्राइविंग टाइम। तो अगर हम बीच में रेस्ट लेते हैं वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। अभी टाइम हो रहा है 12:30, शनि शिकनापुर में पहुँचते पहुँचते 1:30 बजेगा, 2 बजेगा, 1 घंटा वहाँ पे, तो 3 और वहाँ से 5, 8, 1 घंटा बीच में रेस्ट, 9, 9:30, 10 बजे तक हमें पहुँच जाना चाहिए। ये जो रास्ता है ये शिरडी से शनि शिकनापुर जाने का रास्ता है। यहाँ पे कोई भी मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है, शिरडी का मंदिर में भी कैमरा फ़ोन कुछ अलाउ नहीं है, वो बिल्कुल आजू बाजू में भी फ़ोटो खींचने देता ही नहीं है। हम लोग अभी शिकनापुर के लिए टर्न लिया मेन रोड से, यहाँ से करीब 23 किलोमीटर का रास्ता है शिकनापुर। आप अगर लेफ्ट का तरफ देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे गन्ने वाले दिखाई देंगे, और यहाँ का गन्ने का स्पेशलिटी ये है कि बैल से घुमाते हैं वो गन्ने का जो मशीन है, और वो गन्ने का जूस निकालने का, और वो मशीन जो है वो लकड़ी का गियर होता है, लकड़ी वाला होता है, लकड़ी का पीस में से पीस के वो जूस निकालते हैं। तो एकदम नेचुरल है, आप उसको जो भी बोले टोटली नेचुरल है, कोई यूज़ ऑफ डीजल नहीं है, केरोसिन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जो एरिया है ये विदर्भा है, इसको बेसिकली विदर्भा बोलते हैं, और विदर्भा इज स्पेशल फॉर प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। तो और जितना भी मैक्सिमम शुगर केन फैक्ट्रीज यहीं पर हैं। ये रास्ता हम पिछले बार आए थे तभी काफ़ी ख़राब था, काम भी चल रहा था, तो अभी काफ़ी काम हो गया ऐसा लग रहा है। बहुत पहले तो मिट्टी का रास्ता था। हाँ पहले, बहुत पहले मिट्टी का ही था, सिंगल रोड हुआ करता था, अभी डबल हो गया। इधर का स्पेशलिटी है ना, घर पे दरवाज़ा नहीं होता। हाँ घर पे दरवाज़ा नहीं होता, शिकनापुर जो विलेज है उसमें घर पे शिकनापुर शनि शिकनापुर में बोलते हैं कि वहाँ पे कभी भी चोरी नहीं होता, कभी चोरी अगर हुआ बोलते हैं चोर गाँव का बाहर जा नहीं पाता, उसको कुछ हो जाता है वो नहीं लेके जा पाता। तो इधर का गांव जितना है उस कहीं भी गांव में दरवाज़ा नहीं होता है, विंडो होता है, जो खिड़की होता है उसमें कबाट नहीं होता है, मतलब बंद करने का सिस्टम नहीं है, वो लोग पर्दा डाल के रखते हैं, इधर बंद करने का कोई सिस्टम नहीं है। इधर बोलता है रास्ते में कुछ भी पड़ा रहा तो भी कोई उठाता नहीं है, ये पहले का था, अभी क्या है हमें नहीं पता। ये पहले लोग ऐसे ही बोलते थे कि यहाँ पर नहीं होता है कुछ भी बंद, अभी का अभी तो ज़माना चेंज हो गया, अभी सब मॉडर्न हो गए, अभी तो डाउट है ऐसा होता ही कि नहीं, लेकिन पहले ऐसे ही था ही। पहले ये देखो बुलक कट आँख गन्ना लेके जा रहे हैं, पूरा लाइन है उनका, रास्ता जैम बुलक कट्स का, बुलक कट्स में डाल के गन्ना जा रहे हैं। ये गेट बनी है शिकनापुर का, ये देखो बुलक कट जो लेके जा रहे हैं गन्ने, कहाँ ही देखो कितने बड़े बड़े। अब ये सब जा रहे हैं शुगर कैन फैक्ट्री में, शुगर फैक्ट्री में। सब शुगर फैक्ट्री में जा रहे हैं, और अभी सामने आ रहा है श्री क्षेत्र शनि शिकनापुर का गेट।
अभी 4 किलोमीटर है और ये लाइन से देखो गन्ने वाले दिखा लाइन से ऊपर से तेल गिर रहा है शनिदेव का तेज इतना ज्यादा है इनको मंदिर के अंदर नहीं रखते हैं। ये गौरी हवन कुंड यहाँ पे हवन चालू है 24 घंटे चलते रहता है और यहाँ से आप टीका लगाओ। नीम का पेड़ ये एक्चुअली मंदिर है शनिश्चर प्रसन्न था लेकिन शनिदेव मंदिर का बाहर है ये शनिदेव का रथ है। ये शनिश्चर मंदिर में पहले लेडीज का आना यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड था पहले लेडीज को आने नहीं देते थे लेडीज को आधे रास्ते में रोक देते थे ओनली जेंट्स आता था वो भी काफ़ी नियम था कि पहले कि पीछे मुड़ के आप देख नहीं सकते सीधा जाना है फिर आते टाइम सीधा वापस आना है पीछे मुड़ के नहीं देखना है सामान जो भी आप लेके जाएंगे प्रसादी सारे कुछ रख के आना है कुछ भी नहीं लेके आना है ये सब पहले था अभी धीरे धीरे सब मॉडिफाइड हो गया अभी लेडीज़ भी यहाँ पर आते हैं सब लोग आते हैं। चलो क्या बैठना है एक बार फ़ोन कर लेते हैं उसको। सिग्नापुर दर्शन करके हम निकल गए अभी हम जा रहे हैं पुणे की ओर रास्ते में कहीं लंच कर लेंगे टाइम हो रहा है 2:40 और रास्ते में कहीं पे हम लंच करेंगे थोड़ा गन्ने का जूस भी पियेंगे पहले बैल वाला जो बैल घुमाते हैं और लकड़ी का गियर से उसका वो वाले गन्ने का जूस पियेंगे रात को 10 बजे तक पहुँचने का टारगेट है देखते हैं अभी जो हमें दिखा रहा है ऑलरेडी 8:24 दिखा रहा है अगर हम कहीं नहीं रुके तो रुकेंगे तो टाइम बढ़ेगा और रुकना तो है ही क्योंकि खाना खाना है दो बार एक बार लंच एक बार डिनर और बीच में एक बार स्नैक्स का तो चाय का तो हो ही जाएगा। सो ओवरऑल 10 बजे पहुँचेंगे 2 घंटे का 1.5 घंटे का ब्रेक लेके काफ़ी अच्छा नज़ारे हैं रास्ता तो काफ़ी अच्छा है गर्मी भी मस्त गर्मी है बहुत अच्छा गर्मी है। ये है गाय वाला गन्ने का जूस बैल वाला ये जो इसका गियर है ना ये देखो ये लकड़ी है और इसके अंदर ये पीसेंगे फिर जूस जो इसमें ना डीजल यूज़ करते हैं ना केरोसिन कुछ ये गाय घुमाएगा बैल घुमाएगा थोड़ा पीछे से पड़ा तो घूमने लगा ये जूस एकदम पूरा पी लिया अभिषेक तो एक साथ कैसे लगा अच्छा है बढ़िया हाँ बहुत बढ़िया तो हमने लिए ये गुड़ है गन्ने का फ्रेश
इधर ही बना हुआ आपको। और लिया चीकू, ये देखो फ्रेश चीकू, इधर ही गांव से तोड़ के लाते हैं लोग। एक किलो चीकू लिया और हमने लिया गुड़ इसका साथ। और अभी रुनो को चाहिए नीम का पत्ता, नीम का पत्ता तोड़ लिया। ये संग्राम पैलेस, यहाँ पे हमने भी लंच करा, अंदर बैठा था। इसको अंदर बैठे थे, अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं बाहर बैठ के। सीनरी काफी अच्छा है चारों तरफ का। ये रेस्टोरेंट का साइड वाला एरिया है, काफी ग्रीनरी है। और वो रोड जा रहा है, ये रोड सीधा जा रहा है रंजनगांव गणपति, वहाँ होके फिर पूना होके पनवेल पहुंचेंगे। कोइंसिडेंटली शिरडी पे मिल गया मेरा पुराना दोस्त सतेंद्र उसका फैमिली के साथ, जिसका साथ हम लोग पिछली बार शिरडी आए थे। हम लोग कुछ पल साथ बिताए, चाय पिए, खाना खाए, बहुत अच्छा लगा। रात को करीब 9:30 बजे हम पहुँचे खोपोली का एक फूड मॉल पे। ये करीब 3 साल पहले ओपन हुआ है, बीच में 2 साल का कोविड पीरियड था। ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे हमने डिनर किया, थोड़ी देर रेस्ट भी किया, थोड़ा घूम के देखे। यहाँ से हमारा घर करीब 30 मिनट का जर्नी है। अरे कितना डिफरेंट लगा। हमने क्या क्या खरीदा आज फंड से? क्या क्या खरीदा? ये तो चॉकलेट है, ये चॉकलेट लिया, कोकोनट चॉकलेट, ऑरेंज, ऑरेंज स्लाइस, ऑरेंज स्लाइस, और दूसरा ड्राई ग्रीन, ये सब लिया हमने आज फंड से टेस्ट करने के लिए। ये पार्किंग है इसका, बहुत बड़ा पार्किंग है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको सारे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, टेक केयर, गुड बाय।